जबलपुर के तिलवारा स्थित ज्ञान गंगा कॉलेज में छात्र व छात्राओं से सुरक्षा गार्ड द्वारा आए दिन गाली गलौज व अभद्रता की बढ़ती हुई शिकायत पर छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने बताया कि कॉलेज परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति आए दिन प्रवेश करते हैं और बाउंसरों का संरक्षण रहता है। कॉलेज के ही छात्र छात्राओं द्वारा आपत्ति जताने पर उन्हें कॉलेज के गार्ड डराते धमकाते हैं। छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि गैर शैक्षणिक कर्मचारी कॉलेज परिसर पर तंबाकू, गुटखा व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। संपूर्ण मामले को मध्य प्रदेश छात्र संघ द्वारा कॉलेज प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया। तिलवारा स्थित ज्ञानगंगा कॉलेज का एक मामला मध्य प्रदेश छात्र संघ के संज्ञान में आया, जिसमें महिला बाउंसर के द्वारा अभद्रता, गाली गलौज एवं मारपीट की धमकी दी जा रही थी। कल कुछ छात्रों द्वारा हमको बताया गया कि भैया, हमको कॉलेज के द्वारा धमकाया डराया जाता है, पान गुटके की मांग की जाती है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश छात्र संघ को बात संज्ञान में आई। वो तुरंत पहुंचा और तुरंत मौके में पहुंचकर उसको हमने निलंबित की मांग की, जो कि ज्ञानगंगा कॉलेज ने हमको मांग कर दी। और अब हम कलेक्ट्रेट को भी ज्ञापन सौंपेंगे कि जो भी यहाँ पे गुंडागर्दी का तत्व बना रहे हैं, असामाजिक तत्व ज्ञानगंगा कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, छात्रों के मन में भय का वातावरण बना रहे हैं, उनके ऊपर तत्कालिक कार्यवाही की जाए। छात्र नेता सृजन तिवारी, जिला मंत्री, मध्य प्रदेश छात्र संघ।